भावना ससोदिया ने आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज से खास बातचीत की, क्या कुछ उनका कहना है वो जी मौजूद है उनसे बात करते हैं। सौरभ जी रुझान आने शुरू हो गए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए इस बार मेयर आम आदमी पार्टी की बनेगी, बहुत अच्छी जीत जो है आम आदमी पार्टी दर्ज करेगी और दिल्ली को साफ सुथरा किया जाएगा और चमकाया जाएगा। जैसे जैसे वोटिंग खुलती जा रही है देखा जा रहा है बीजेपी भी अपने खेमे में लगातार सीट्स बढ़ाती जा रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी थोड़ा सा पीछे नजर आ रही है। देखिए ये इनिशियल ट्रेंड्स हैं, इसमें बैलेट का ट्रेंड ज़्यादा होता है, सरकारी कर्मचारियों का ट्रेंड होता है, आप देखेंगे वो ट्रेंड बदल जाएगा। ईवीएम जैसे ही खुलेंगे आम आदमी पार्टी एक तरफा जीतेगी। जिस तरीके से पहले बीजेपी द्वारा वीडियोस वायरल किए गए, क्या लगता है उसका इस चुनाव में फर्क पड़ेगा? देखिए वीडियोज वाली जो राजनीति है वो लोगों को पसंद नहीं आती है, वो लोगों ने रिजेक्ट करते हैं क्योंकि वो नेगेटिव पॉलिटिक्स है। आप अपनी अचीवमेंट्स बताइए, अपना काम बताइए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बताती। क्या लगता है आम आदमी पार्टी कितना सीट्स लेने वाली है? मुझे लग रहा है 180 से पार जाएंगे। पहले 220 का कहा जा रहा था, अब 180, ऐसी क्या खास है? ये तो एक एस्टिमेट है, हो सकता है 230 तक चले जाएं। ऑफिस में अगर बात की जाए तो किस तरीके का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, सेलिब्रेशन का माहौल है, सब लोग मानते हैं कि आम आदमी पार्टी एक भारी बहुमत से जो है आगे बढ़ रही है। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ सौरभ भारद्वाज जी, जिनका ये कहना है कि फिलहाल 180 सीट्स का अनुमान लगाया जा रहा है और उम्मीद है कहीं ना कहीं 220 का आंकड़ा भी आम आदमी पार्टी पार कर सकती है। वहीं ऑफिस के माहौल की बात की गई तो अब सौरभ भारद्वाज का यही कहना है कि जश्न का माहौल है और ये जश्न ऐसे ही मनता रहेगा क्योंकि निगम में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाकर रहेगी। दिल से जनतंत्र टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र के साथ भावना की रिपोर्ट।